हम लोग यहाँ पर कीर्तन करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कलयुग में केवल एक ही आधार है हमारा, वह है कीर्तन। यद्यपि कीर्तन में आके भी कुछ लोग बोलते नहीं, सुनते तो हैं, शायद रूप ध्यान करने की चेष्टा भी करते होंगे, किंतु तो बोलते नहीं। इसी में श्री महाराज जी कई बार बता चुके हैं कि अभी हम लोग छोटे क्लास के विद्यार्थी हैं, सीख रहे हैं, तो अभी हमारी वो स्थिति नहीं है कि हम बैठते ही ध्यान में लग जाएं और हम निरंतर ध्यान कर पाए। इसलिए हमारा यहाँ पर बैठना, बैठकर गाना, साथ में कोई मंजीरा ढोल कुछ नहीं है तो ताली, कुछ भी वाद्य लेना, ये सभी कुछ मन लगाने के लिए आवश्यक है। साधना का अंग नहीं है तो भी साधना में मन लगाने का साधन है। हमें जब भी हम कीर्तन में बैठे, हमें इन बातों का ध्यान रखना है। ब्रह्म सूत्र में कहा है कि कीर्तन में बैठने के लिए पहली बात तो यह है कि अचलत्वम चापेक्ष, सीधे होकर बैठो। अधिकांश लोग ढूंढते कोई दीवार का सहारा मिल जाए, किसी चीज का सहारा मिल जाए तो हम बैठे, नहीं मिलता तो लोग पहले पहले दीवार का सहारा लगाते हैं, फिर धीरे धीरे पैर फैला के बैठ जाते हैं। अब जितने आराम से बैठेंगे उतना ही आपका कम मन लगेगा। इसीलिए ये नियम है, श्री महाराज जी ने भी ये नियम बनाया है और हमारे शास्त्रों में भी ये नियम है, सीधे बैठो, अचलत्वम चापेक्ष। और फिर ध्यानाच, ध्यान से सुनो, कीर्तन के शब्दों को सुनो, मन से सोचो हम किसका नाम ले रहे हैं, हम क्यों आए हैं यहां पर, हम भगवान का नाम लेने के लिए आए। क्यों ले रहे हैं हम भगवान का नाम? क्योंकि वो दिव्य नाम है और उस नाम में नामी स्वयं बैठा हुआ है, यानी सारी पावर्स लेके भगवान स्वयं नाम के अंदर, नाम रूप लीला गुण धाम जन, ये छह चीजें हैं जो भगवान से संबंधित हैं, ये नाम में सब कुछ निहित है। सतयुग में लोग तप करते थे, हजारों हजारों वर्ष तक तप करते थे, मन पे कंट्रोल करते थे और भगवत प्राप्ति करते थे। अब इतनी उम्र ही नहीं होती हजारों वर्ष, और ना हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम बैठकर तप करें, तो ये शक्ति घट गई थी त्रेता में। तो त्रेता में लोग यज्ञ तप नहीं कर सकते, इसलिए तो त्रेता में लोग यज्ञ करते, सुमन के पास इतनी पावर होती थी कि यज्ञ वो ठीक ठीक कर सकते थे। ठीक ठीक यज्ञ माने क्या? ये सारे आपको ठीक से नियम पता हो कि यज्ञ का नियम क्या है, उसके अनुसार बैठना। फिर पहला नियम तो उसका यही है कि जहां पर आप बैठ रहे हो उस स्थान को शुद्ध करो, कोई स्थान साफ नहीं है। जब भीष्म ने कहा था कि हमें हमको ऐसी जगह पर ले जाना मृत्यु के बाद जहां पर कोई मरा ना हो, तो जहां भी उनके शरीर को रखा जाता था पृथ्वी गोल पड़ती थी, शतम भीष्म, सैकड़ों भी मर चुके हैं ऑलरेडी। तो स्थान को शुद्ध करना पड़ता है, और स्थान को शुद्ध करने के लिए पहले जल को मंत्रों के द्वारा शुद्ध किया जाता है, फिर उसी से स्थान को शुद्ध करते हैं,
फिर मंत्रों का उच्चारण है, आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ कि मंत्रों का उच्चारण सही होना चाहिए, मंत्रों के शब्दों की भी साइंस है, क ख ग घ आदि जो हम अक्षर बोलते हैं वो कैसे कहाँ से निकले, कुछ ताल से निकलते हैं, कुछ जीभ से निकलते हैं, कुछ दांत की सहायता से निकलते हैं वो स्वर, उनको उसी प्रकार उच्चारित किया जाए। और फिर सबसे बड़ी बात ये, जब पूरा यज्ञ सही सही यज्ञ के विधान से होगा तो उसे देवता का, जिस देवता के लिए यज्ञ कर रहा है वो प्रकट करने के, जिस देवता से फल चाहिए उस देवता को प्रकट करने की शक्ति भी होनी चाहिए, वो मंत्र भी होना चाहिए सिद्ध उसका। तो ये सब शक्तियां त्रेता में लोगों के अंदर थी, इसलिए त्रेता में लोग यज्ञ आदि करके अपनी लक्ष्य की प्राप्ति कर लिया करते थे। द्वापर में ये शक्ति और घट गई। तो द्वापर में लोग संतों की शुद्ध भाव से निष्काम सेवा करके उनकी कृपा से भगवत प्राप्ति कर लेते थे। संतों को, संत को, गुरु को खुशी तो करना है, उन्हें ही तो देना है। जब वो प्रसन्न हो गए बस तो हमारा काम बन गया, हमें उनकी सेवा करनी। और सेवा का मतलब क्या है? आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, जो उनकी इच्छा, जो उनकी आज्ञा, बस आंख बंद करके उनकी बात मान लो। कि हमारे पास इतनी बुद्धि तो है नहीं कि हम सोच सके कुछ, कि संत ने ऐसा कहा है, रे वो सर्वज्ञ है, तुम पहले ही जानते हो, तभी तो तुम संत के शरणागत हुए हो। तो जो उनकी आज्ञा है, जब उनकी जैसी इच्छा है, आज सेवा वाले क्या होता है, सेवे की जिसमें रुचि हो। यदि हम अपनी रुचि से कर रहे हैं सेवा, वो तो हमारी अपनी सेवा हो गई। तो आज्ञा मानकर उनकी सेवा करना ये कर सकते थे लोग द्वापर में, उनकी निष्ठा होती थी संतों में, अपने घरों में लाते थे, उनकी सेवा करते थे और उसे उनके आशीर्वाद से उनको भगवत प्राप्ति हो जाती थी। लेकिन कलयुग में वो भी बात खत्म हो गई। अब संतों में हमारी निष्ठा नहीं, हर एक में हम डाउट करते हैं, संत से ज्यादा अपने आप को काबिल समझते हैं। अपना गुरु चाहे कितना बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा संत हो, वहां पर भी हम देख लेते हैं ये महाजू को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं किया, ऐसा करते वहां तो बड़ा अच्छा रहता, ऐसा हम अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं। तो हमारे पास अब क्या आधार, हम भगवत प्राप्ति कैसे करें? कुछ भी नहीं हमारे पास इसमें से। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल एक आधार है हमारे पास, नाम आधारा। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तना। जो फल हमको तप आदि का मिल जाता था सतयुग में, वही त्रेता में यज्ञ आदि के द्वारा, और वही द्वापर में परिचर्यायाम संतों की सेवा के द्वारा, और कलयुग तद्धरि कीर्तना, और कलयुग में केवल कीर्तन करके, केवल कीर्तन करके। क्यों? क्योंकि कीर्तन में जब भगवान का नाम, उनकी लीला, उनके गुण, उनके धाम, इन्हीं का तो हम गुणगान करते हैं ना, तो इन सब में भगवान की जो छह चीजें हैं, नाम रूप लीला गुण धाम और उनके जन, इन छहों में छहों का वास है। इनमें से बाकी चीजें नाम के अलावा गुण धाम और लीला, भगवान का नाम है, रूप लीला गुण और धाम, ये चार चीजें हैं जो भगवान से डायरेक्ट संबंधित हैं। ये कठिन है हमारे लिए, इनका ध्यान करना, इनके बल पर भगवत प्राप्ति करना कठिन है, क्योंकि हमको भगवान का रूप दिखता ही नहीं, मन गंदा है, कैसे करें रूप ध्यान। धाम में थोड़ी सी हमको सुविधा है कि हम जा सकते हैं धाम तक, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है कि कैसे जाएं, उसमें भी कठिनाइयां हैं।
नाम जो है भगवान के सब चीजों में सबसे सरल और सबसे उदार सबसे दानी नाम है। नाम ने हमको ये छूट दी हुई है कि आप कहीं भी बैठकर चाहे अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था मृतोपि वा यह स्मरेत पुनरीकाक्षम संभाय अभ्यंतर शुचि। हमारे शास्त्र कहते हैं कि चाहे तुम पवित्र अवस्था में बैठे हो अपवित्र अवस्था में बैठे हो, पवित्र स्थान पर बैठे हो या अपवित्र स्थान पर बैठे हो, कहीं चल फिर रहे हो या एक स्थान पर बैठे हो, कहीं भी कोई सामग्री नहीं चाहिए उसके लिए, कोई निश्चित स्थान नहीं चाहिए, कहीं भी बैठकर बिस्तर पर लेटकर भी हम भगवान का नाम ले सकते हैं। और तुलसीदास जी ने यहां तक कह दिया कि राम नाम सुमिरत इक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। भगवान का नाम तो एक बार ले लो बस, बार कर जाओगे बहुत सारा। इस बात पे हम लोग को डाउट है क्योंकि हम लोगों ने कितनी बार नाम अभी अभी यही बैठ के ले लिया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी। इसी जन्म में हम हजारों लाखों बार नाम ले चुके हैं, कुछ असर नहीं हो रहा हमारे। और अनंत जन्मों की पिछले जो जन्म हमारे बीत गए उनकी बात करें तो हम लोग अनंत बार ले चुके हैं भगवान का नाम, लेकिन हम तस मस नहीं हुए, हमें वो लाभ नहीं मिला जो तुलसीदास जी बता रहे हैं। क्यों नहीं मिला? उसका कुछ कारण तो होगा। तो महाप्रभु चैतन्य ने कहा नाम नाम कारि बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालम एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव वेदशून्या जननानुरागः। वो कह रहे हैं हे कृष्ण आपने इतनी कृपा हम लोगों के ऊपर कर दी कि आप स्वयं समस्त शक्तियों के साथ नाम में बैठ गए, आपकी इतनी बड़ी कृपा है। लेकिन दुर्दैव वेदशून्य, हमारा बड़ा भारी दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य क्यों है? दुर्भाग्य तो होता हम भगवान का नाम ही नहीं लेते, तब कह सकते थे हमारा दुर्भाग्य है। हम तो ले रहे हैं, आप सब बैठ के यहाँ पर भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान को याद करने की चेष्टा कर रहे हैं, भगवान की भावना से नाम ले रहे हैं, तो हमारा दुर्दैव क्यों है? हमारा दुर्दैव इसलिए है कि हम नाम मुंह से ले तो रहे हैं, ये फील नहीं कर रहे हैं कि हम किसका नाम ले रहे हैं, इसमें क्या क्या शक्तियां हैं। रात पर ब्रह्म श्री कृष्ण ब्रह्मा विष्णु जिनकी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं, चरणों के नख की जो चमक है उसका ध्यान करने के लिए उनको हजारों वर्ष तक तप करना पड़ता है, वो उन श्री कृष्ण का नाम है ये। और इनका नाम लेने से तो हमें अनंत जन्मों के लिए छुट्टी मिल जाएगी, माया से अनंत आनंद मिल जाएगा, उनके दर्शन उनका नाम रूप लीला गुणधाम सब कुछ प्राप्त हो जाएगा क्योंकि हम उसमें समाहित है। ये रियलाइज नहीं, तो दुर्भाग्य हमारा यही है कि बहुत बार समझने समझाने के बाद भी हम उसको समझ नहीं पाए। नाम ऐसे मुंह से हम लेते हैं, बहुत से लोग इस बात पर भी प्रश्न उठाते हैं कि श्री महाराज जी इस बात पर बहुत जोर देते हैं मन से भगवान का स्मरण करो, ये खाली खाली मुंह से कीर्तन बोल देने से भगवान का नाम बोल देने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, सोचो कि किसका नाम ले रहे हैं, उनका ध्यान करके लो नाम। लेकिन हमारे सामने ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने बिना भगवान की भावना से नाम लिया, वो भी तर गए। और इस विषय में सभी लोग यहां तक के बड़े बड़े कथावाचक लोग भी
दो लोगों का नाम लेते हैं, एक अजामिल और एक वाल्मीकि जी महाराज। अजामिल के लिए कहा जाता है मृमाणो हरे नाम ऋण पुत्रो प्रसारितम अजामिलो पेगात धाम किम पुनः शुद्ध अभिनन। अजामिल ने तो मरते समय अपने पुत्र का, पुत्र की भावना से, ऐसा नहीं भगवान की भावना से उसके पुत्र का भी नाम नारायण था तो नहीं, नहीं भगवान की तो कोई भावना ही नहीं थी, पुत्र की भावना से युक्त होकर उसने पुत्र को पुकारा नारायण और उसको भगवत प्राप्ति हो गई। तो हम लोग तो श्रद्धा पूर्वक नाम पुत्र की, कम से कम कोई पुत्र पुत्री के ध्यान से उनके भावना से तो हम राधा या कृष्ण का नाम नहीं ले रहे, तो हमें क्यों भी भगवत प्राप्ति हो गई। इस विषय में लोगों का बड़ा भारी भ्रम है, जबकि भागवत में पता नहीं क्यों लोग इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि भागवत में छठे स्कंद के दूसरे अध्याय के 26 से लेकर 45 तक के श्लोकों को पढ़ लीजिएगा। आजकल तो हिंदी में भी इंग्लिश में भी सब आपको ट्रांसलेशन में मिल जाएगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है क्या कि अजामिल जो पहले कभी बहुत बड़ा धर्मात्मा था, भक्त था, धर्मोपदेशक था, शास्त्र वेदों का उसको बहुत पक्का ज्ञान था, सदाचारी था, इतना अच्छा था वो, और एक क्षण के कुसंग से उसका मन इतना गंदा हो गया कि उसने उसी वैश्या से जिसके कारण उसको कुसंग हुआ था उससे उसने विवाह कर लिया, उसके 11 बच्चे भी पैदा हो गए, उनमें बुरी तरह आसक्त हो गए, तमाम टाइम उसने अपने जीवन का बर्बाद करके रख दिया। तो जब वो बच्चे को खिला रहा था तो उसने नारायण, उसने दिखाई नहीं दिया उसका बच्चा, बाहर में उसको घूमने निकला हुआ था, दिखाई नहीं दिया, उसने नाम लिया, लोग कहते हैं इसके बाद वो मर गया और उसके बाद भगवान, ऐसा नहीं है। उसमें भागवत में स्पष्टता लिखा है कि जब उसने नाम लिया उसके बाद, देखिए भगवान का एक प्रण है, नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अब कुछ बुरे संस्कार अजामिल के आ गए थे कि उन्होंने वैश्या के साथ किसी को, किसी पुरुष को गमन करते हुए देखा, का दिमाग खराब हो गया और उससे विवाह कर बैठे, ये कुसंस्कार थे कुछ दिनों के उसके। भगवान ने प्रतीक्षा की और उनके ऊपर उनको एक चांस और दिया, बुद्धि खराब हो गई थी कोई बात नहीं, बुरे संस्कार आ गए थे, लेकिन वो भक्त थे भगवान के, तो भगवान ने उनको एक चांस दिया। क्या चांस दिया कि उनको ऐसा एक स्वप्न जैसा दिया, जाग रहे थे वो, सो नहीं रहे थे, मतलब बाहर थे, बैठे हुए थे किसी पत्थर के ऊपर, तो उनको भगवान ने एक स्वप्न जैसे, इसको दिवा स्वप्न कहते ना डे ड्रीम, उनको उस तरह का झलक, मतलब बहुत लंबा स्वप्न भी नहीं था वो, क्षणा मात्रेषु संगेषु, साफ साफ भागवत में लिखा है। तो उनको एक ऐसा स्वप्न सा आया कि यमदूत भी आए हैं और विष्णुदूत भी आए हैं, वो यमदूत मुझे ले जाना चाहते हैं कि क्योंकि मैं पापी हूं, मैंने इतना बड़ा पाप किया है, और विष्णु दूत उनको ले जाना चाहते हैं क्योंकि मैं भगवान का भक्त भी रहा। तो इन दोनों के कन्वर्सेशन में पूरा शास्त्र वेदों का ज्ञान और संसार के जो सुख दुख है उनको कैसे परिणाम ही, उनका परिणाम क्या होता है, ये सारा ज्ञान उतनी देर में सारा रिवाइज हो गया। भगवान की लीला, कि उन दोनों की कन्वर्सेशन बहुत, मतलब इतना लंबा कन्वर्सेशन नहीं था, इतना छोटे टाइम में जो भगवान ने उनको सुनवा दिया। भागवत में श्लोक है, अजामिलोप्यथा कर्ण दूतयो यम कृष्णयो धर्मम भागवतम शुद्धम त्रैवेद्यम च गुणाश्रयम। उसने सारा ये ज्ञान, धर्मम भागवतम शुद्धम, भागवत धर्म को भी पूरा शुद्ध भागवत धर्म क्या है, उसका परिणाम क्या है, वो सब भी उसने सुना
और ये त्रिगुणात्मिका माया से संबंधित वेदों में जो धर्म लिखा है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यम भव अर्जुन, त्रैगुण्य विषय जो वेद है उसका भी सारा ज्ञान उन्होंने, भगवान ने उसको यो चुटकियों में सब सुना दिया, पूरा रिवाइज हो गया सब कुछ। तो एकदम उनकी जैसे आंखें खुली, जैसे कोई सोते से जाग जाता है, ऐसे उनको लगा कि अरे उस ज्ञान तो उनको ऑलरेडी था ही सारा, वो अज्ञान में तिरोहित हो गया था, विषय वासना में छिप गया था, भूल गया था उनको वो ज्ञान, लेकिन टाइम आ गया था, भगवान ने फिर से उनको एक कृपा की उनके ऊपर, कृपा का एक छींक डाला उनके ऊपर, तो उनको अपना सारा ज्ञान याद आ गया। तो उनको एकदम से लगा किम स्वप्नोस्वित, क्या ये कोई स्वप्न था मेरा, दृष्टम मया किम अद्भुतम, ये हमने अद्भुत जो अभी दृश्य देखा, ये क्या मैं कोई स्वप्न देख रहा था, ये क्या था, ये तो अद्भुत था। और इस तरह को उसको याद करके उनके मन में इतना वैराग्य जागृत हुआ कि गंगा द्वार पे आयो मुक्त सर्वना सर्वानुबंधनम, वो तुरंत, अब सोचिए उनके माइंड में एक बार भी ये नहीं आया कि वो नारायण पुत्र कहाँ गया, मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, मेरा घर है, कुछ याद ही नहीं आया। वो सोचते कि अब क्या करूं, सबको बता के जाऊं कि ऐसे ही चला जाऊं जंगल में साधना करने के लिए, मैं क्या करूं और मैं क्या ना करूं, ना ना ये सब सोचने का हमको मौका ही नहीं हुआ, क्योंकि एकदम जब ज्ञान उनका जागृत हुआ, वैराग्य उससे जागृत हुआ, तो चल दिए उसी समय गंगा दारू पे आयो, चले गए वहां पर। और वहां पर क्या किया उन्होंने, सात अस्मिन देवसत ने, एक मंदिर था हरिद्वार में, हरिद्वार चले गए वो, और वहां पर एक मंदिर था, उसी में बैठ गए, आसीना योग मास्थित, योग की मुद्रा में वो बैठ गए शांत होकर। और फिर प्रत्याहित इंद्रिय सर्व, अपनी इंद्रियों को सब विषयों से हटाकर, योज मन आत्मनि, अपने मन को पूर्णतया स्थिर करके वो भगवान की उपासना में लग गए। केवल गंगा जल पीकर साधना की उन्होंने एक साल, पूरे एक साल, एक दो दिन नहीं, एक दो हफ्ते नहीं, पूरे एक साल उन्होंने वहां पर साधना की। जब साधना उनकी पूर्ण हुई, एक साल तक उन्होंने और कुछ किया ही नहीं, किसी चीज का स्मरण नहीं किया, किसी से कोई मतलब नहीं रखा, केवल भगवत उपासना में ही लगे रहे, तो परिणाम क्या हुआ, हित्वा कलेवरम तीर्थे, उसी तीर्थ में जब उनकी साधना पूर्ण हो गई, तो ये शरीर जो माइक शरीर था उसको उन्होंने छोड़ा, गंगायाम दर्शना धनु, गंगा जी में स्नान किया, और स्नान करके जब लौटे तो वो शरीर उनका नहीं था जिस शरीर से वो घुसे थे गंगा जी में, हित्वा कलेवरम, वो शरीर तो उनका छूट चुका था, उन्हें मिला क्या, स्वरूपम सत्य स्वरूपम जगी है, तुरंत उनको वो स्वरूप प्राप्त हुआ, कौन सा, भगवत पार्श्ववर्ती नाम, जो भगवान के परिषद पाकर, जो भगवान के साथ हमेशा रहते, जो शरीर उनका होता है, यानी दिव्य शरीर, उनको उसी समय दिव्य शरीर की प्राप्ति हो गई, जो भगवान के पार्षदों का शरीर होता है। तो सायकम विहाय सा विप्रो महापुरुष किंकरई, तो उन जो आए थे उनको वहां पर लेने के लिए, तमाम उनके पार्षद आए थे उनको लेने, महापुरुष किंकरई
जो भगवान के किंकर जो भगवान के पार्षद है वो उनको लेने आए थे, उनके साथ हैमम विमान आरुह्य, एक उनके सामने पुष्पक विमान आया सोने का बना हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, यौ यत्र श्रीपति, वो सीधे गोलोक पहुंच गए। ये सब लिखा है भागवत में, कोई भी पढ़ सकता है, उठा के पढ़ लीजिएगा। लेकिन न जाने क्यों लोग ये कुछ नहीं बताते, उल्टा ये बता देते हैं उसने नारायण का नाम लिया और सीधे चला गया गोलोक को। ऐसा कुछ नहीं हुआ, साधना की उसने, मन से साधना की। वाल्मीकि जी के विषय में लोग कहते हैं जी उन्होंने तो सीधा नाम भी नहीं लिया, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो राम राम ही नहीं कहा, मरा मरा कहा, तो उनको भी तो भगवत प्राप्ति हो गई। यदि हम भी ना ले भगवान का नाम तो हमें भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, उन्होंने तो राम मरा कृष्ण दुर्गा कुछ नहीं कहा, वाल्मीकि जी ने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ी पावर थी, क्या, गुरु आज्ञा पालन। गुरु ने कह दिया यहां बैठे रहो मरा मरा को, एक बार नहीं सोचा ये कैसे महात्मा है हमको मरा मरा करने को कह रहे, इतने भगवान के नाम है, राम ही राम कह देते, चलो कोई बात नहीं, अगर उन्होंने कह दिया है तो करेंगे। बुद्धि नहीं लगाई, जरा भी बुद्धि नहीं लगाई, और मरा मरा कहते रहे वैसे घूम फिर के, नाम तो उन्होंने राम राम ही कहा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महा जी बहुत बार बार समझा चुके हैं कि अब इंद्रियों से क्या कर रहे हैं भगवान, क्या ये नोट ही नहीं होता। आप कितना मुंह से भगवान का नाम ले रहे हैं, कितना आप सही से, नहीं, जो आपके अंतर्गत अंतःकरण की भावना है, भावना से आप नाम ले रहे हैं, भगवान को आप याद कर रहे हैं, बस उतना ही काफी है। तो उन्होंने गुरु आज्ञा का पालन किया, अक्षरशः पालन किया। ये तक ने पूछा आप कब आओगे, कब तक बैठे रहोगे, कितने वर्ष नहीं आए, उनके शरीर पे दीवकों ने घर बना लिया, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये जी कैसे गुरु ने कह के चलते बने, अब तक हम करते रहे बैठ के, कुछ नहीं सोचा उन्होंने, तो उसी जन्म में ब्रह्मर्षि बन गए। इन बातों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, तभी नाम लेने का बहुत बड़ा महत्व है। अभी हम लोग हरे राम मंत्र गा रहे थे, ये तो महामंत्र है, महाराज जी ने भी इसको मैक्सिमम इंपॉर्टेंस दी है और महाप्रभु चैतन्य ने भी दी। आप कहेंगे जी नाम ही तो है भगवान का, तो इसको महामंत्र क्यों कहते हैं, इसलिए महामंत्र कहते हैं, उसके दो तीन कारण हैं। पहली बात तो ये कि जितने भी वेदों के जितने भी मंत्र हैं उन सब में कुछ विधि निषेध है, नियम है, कुछ कि ये करो ये मत करो, यानी उसको मंत्र को कब बोलो, कहाँ बैठ कर बोलो, किस उसमें मुहूर्त में बोलो, ये स्त्री बोले बोल सकती है कि नहीं, ये ब्राह्मण को ही बोलना चाहिए, ये वैश्य को ही बोलना चाहिए, इत्यादि बहुत सारे नियम हैं मंत्रों के उच्चारण के। और ये भी कलिसंतरणोपनिषद का मंत्र है, इसमें कोई नियम नहीं, ये एक ऐसा विचित्र मंत्र है जिसमें भगवान नाम लेने के, हरे राम कृष्ण ये तीन नाम है, बस इनका उच्चारण करना है, और वो भी संबोधन कारक में, हे राम, हे कृष्ण, हे हरि, ये हे शब्द जो निकलता है ये एकदम अंतःकरण से निकलता है। जब हम किसी को बहुत डेस्परेट होके आर्त होकर पुकारते हैं तब इस प्रकार के शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, यही तो हमें करना है, भगवान को हृदय से ही तो पुकारना है, आर्त होकर ही तो पुकारना है। जब हम आर्त होकर पुकारते हैं तो हमारे आंखों से झरझर आंसू बहने लग जाते हैं और तब हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो महामंत्र इसीलिए कहलाता है, इसमें कोई नियम नहीं, आप कहीं भी बैठकर किसी भी समय चाहे जितनी बार जब मन करे आप इसका कर सकते। दूसरी बात, इसमें कुछ और है ही नहीं, कोई डिमांड नहीं है कि हमको भवसागर से पार उतार दो, हमको मोक्ष दे दो,
हमारा मंगल कर दो, हमारा कल्याण कर दो, कुछ भी कामना नहीं, केवल नाम है। प्रेम पूर्वक आर्त होकर आंसू बहा के उनका नाम लो बस, और कुछ है ही नहीं। विशुद्ध भक्ति निष्काम भक्ति है, विशुद्ध निष्काम भक्ति है। और तीसरी बात ये कि नाम संकीर्तन की विशेषता है कि आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, मन लगाना। अगर हर लाइन में शब्द बदल रहे हैं, लाइनें बदल रही हैं, तो आपको देखना पड़ेगा, तो आपको मन आपके डिस्ट्रैक्शन होगा, मन नहीं लगेगा। लेकिन कुछ सोचना ही नहीं, बोलते जाओ। और वैसे भी आप इस नाम के रस में जितना जितना डूबते जाएंगे, उतना उतना मुंह से भी नहीं निकलेगा, फिर हरे राम भी नहीं निकलेगा, वो मन ही मन निकलेगा, ऊपर से तो हरे राम कुछ आप बोल ही नहीं पाए। इसी का नाम कीर्तन है, यही हमें करना है। आप प्रभु चैतन्य ने कीर्तन की विशेषता बताते हुए कहा, चेतो दर्पण मार्जनम। ये जो कीर्तन है, इसकी पहली विशेषता है कि चेतो दर्पण मार्जनम, जो हमारा हृदय है, चित्त है, ये एक मिरर की तरह है, दर्पण की तरह। हमारे भगवान हमारे अंतःकरण में बैठे हैं, हमें दिख नहीं रहे, हमारे अंतःकरण में बैठे हैं, हमें दिख नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जो हमारा दर्पण है ना, वो गंदा है, अनंत जन्मों के पापों की धूल उसके ऊपर चढ़ी हुई है। इसलिए दर्पण में जो अंदर बैठे हैं श्याम सुंदर, उनका मुखड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें धूल जमी हुई है। तो हम अगर अपना चेहरा धो लें, साफ कर लें, तो हमको शीशे में चेहरा तो अपना नहीं दिखाई देगा, क्योंकि शीशा गंदा है, मुंह थोड़ी गंदा है, शीशा गंदा है। शीशे को साफ करो, मुंह को साफ करने से क्या हो। तो हम कीर्तन तो बोलते जा रहे हैं, मुंह से राधे राधे तो करते जा रहे हैं, लेकिन हृदय को साफ नहीं कर रहे हैं। उनका नाम लेंगे तभी तो साफ हो गया ना। तो ये जो नाम है, ये हृदय रूपी दर्पण को साफ कर देता है। हमारे हृदय में जो धूल जमी है पापों की, उसको वो साफ करने वाला है नाम। चेतो दर्पण मार्जन, मार्जन साफ करने वाला। भव महादावाग्नि निर्वापणम, दूसरी विशेषता बताए कि दावाग्नि कहते हैं जो जंगल में आग लग जाती है, लकड़ी में आग लग जाती है, वृक्षों में, उसको दावाग्नि कहते हैं। वो इतनी भयंकर होती है कि किसी भी फायर ब्रिगेड से, पानी वानी से बुझने वाली नहीं, वो बुझती नहीं है, क्योंकि उसको लगाई भी नहीं जाती। कोई टीवी लेके कोई आग लगाना चाहे तो ऐसे नहीं लगती वो दावाग्नि, वो आपस में पत्तों के घर्षण से आग लग जाती है। तो वो कब बुझेगी? वो जब पानी बरसेगा, वर्षा का पानी जब धुआंधार बरसेगा, कस के वर्षा होगी, तब वो आग बुझ जाए। तो ऐसे ही तो हमारे अंतःकरण में जो तीन प्रकार के तापों की अग्नि का दावा नल धड़क रहा है, जल रहा है हमारा मन अनादिकाल से, तो ये कैसे हमारे, ये आग बुझेगी, हमारे प्रताप की अग्नि कैसे बुझेगी, कैसे हमें आनंद की प्राप्ति होगी? नाम के द्वारा। जब हम नाम लेंगे आर्त होकर, आंसू बहाकर, तो आंसुओं के जल की जो वर्षा है, आंसुओं के जल से ये हमारा जो दावाग्नि है, हमारा अंतःकरण में जो अग्नि जल धड़क रही है, राग द्वेष की अग्नि, तमाम काम क्रोध लोभ की अग्नि, ये सब केवल भगवान का नाम लेने से, हृदय से नाम लेने से ये दावाग्नि भी बुझ जाए। तीसरा बताया उन्होंने, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। कैरव कहते हैं कुमुदनी को। एक तो कमल होता है जो सूरज की रोशनी में खिलता है, और जब सूर्यास्त होता है तो वो धीरे धीरे करके बंद हो जाता है। और एक कमलिनी होती है, उसको कुमुदिनी भी कहते हैं। वो रात में जब जैसे जैसे चंद्रमा उदित होता है, वो कुमुदिनी खिलती है, और जब चंद्रमा अस्त होता है तो वो कुमुदिनी बंद हो जाती है। तो कल्याण रूपी जो कुमुदिनी है,
चंद्रिका वितरणम, वो नाम रूपी चंद्रमा के प्रकाश से खिल जाती है। यानी हमारा कल्याण कब होगा? जब हम नाम लेंगे, नाम रूपी चंद्रमा की किरण जब पड़ेगी हमारे अंतःकरण के ऊपर, तब हमारा कल्याण होगा, उसके पहले नहीं हो सकता किसी भी और से। तप से, दान से, ज्ञान से, तीर्थ करने से, उपवास करने से किसी से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तप, दान आदि से जो कल्याण होता है वो तो क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए आपको सुख मिल गया, उससे वो क्षणिक सुख है। लेकिन जो नाम के द्वारा सुख प्राप्त होता है वो तो परमानेंट है, सदा के लिए। आज आपने अगर 2 मिनट भी भगवान का नाम रूप ध्यान पूर्वक किया है तो आपकी जो भी कमाई है ये अनंत काल तक भी खत्म नहीं होगी, वो ऐड होती जाएगी। आज आपने 2 मिनट रूप ध्यान किया, कल आपने 15 मिनट किया, सब मिला के आपने एक हफ्ते में अगर आपने सब 20 मिनट रूप ध्यान किया तो वो जो आपके अर्निंग है वो कभी खत्म नहीं होगी, वो जमा होती जाएगी आपके अंतःकरण में। वो बात अलग है कि हम बीच में अपराध करते जाते हैं, पाप करते जाते हैं, तो हमें उसका फल इतनी देर नहीं मिलता, उल्टा प्रभाव होने लग जाता है। फिर जब फल नहीं मिल रहा है हमारी साधना का तो फिर हमारा मन गंदा होने लग जाता है। लेकिन हमें हमारे पास वो हमारी पूंजी है सुरक्षित, फिर जब हमारे संस्कार जागृत होंगे तो हमको मिलेगी। तो श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम और विद्या वधु जीवनम। विद्या माने हमारे पास जो ज्ञान है, जो कलाएं हैं, तमाम प्रकार के ज्ञान हमारे पास में है। ये ज्ञान बिना नाम के विधवा की तरह, विद्याएं जितनी हमारे पास है ये विधवा की तरह। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत कुशाग्र बुद्धि है आपकी, आप खूब नाम कमा रहे हैं संसार में, तो क्या हुआ? ये नाम भी तो क्षणभंगुर है। आपको आज वही स्थान पे वही लोग बहुत मान दे रहे हैं, कल आपको कुछ भी मान नहीं देंगे। कोई आए, आप आएंगे तो परवाह भी कोई नहीं करेगा, कौन आया कौन नहीं आया। सब कुछ ही विद्याएं हमारे पास, जो कलाएं हमारे पास हैं, इनसे मिलने वाला जो मान सम्मान है तो बहुत क्षणभंगुर है और विधवा के उसकी कोई शोभा नहीं है। ये चाटुकार लोग भले ही अपने लाभ के लिए हमारे किसी भी ज्ञान या हमारी किसी भी कला की प्रशंसा कर दें, वाह साहब क्या डांस करते हैं, कोई बहुत बड़ा डांसर है, कोई बहुत बड़ा म्यूजिशियन है, हमारे पास यदि कोई भी कला है तो वो बिना नाम के, उसको बिना भगवान से जोड़े, तुमने उसको जोड़ नहीं दिया भगवान से, वो कलाएं तुम्हारी अगर भगवान के लिए अर्पित नहीं है तो वो विधवा के समान। नाम उसका पति है, जो भक्ति है भगवान की, ये इन कलाओं का पति है। कलाएं तब तक विधवा है जब तक इसमें नाम रूपी पति वो जुड़ ना जाए। कितना बढ़िया आपको गाना आता है, आप बहुत बड़े म्यूजिशियन है, सारी दुनिया को आप सुनाते हैं, पैसे मिलते हैं आपको, सम्मान मिलता है आपको, और अगर आपको कीर्तन में गाना है तो आप वहां संकोच करते नहीं, अरे यहाँ पर क्या गाएं, बहुत बड़े म्यूजिशियन है ये, तो यहाँ पर तो कोई म्यूजिक जानने वाला है नहीं, क्या गाएं। यानी भगवान के लिए अर्पित नहीं है। मीरा बाई नृत्य कर मंदिर में जाके, हरिदास जी इतने बड़े संत और इतने बड़े म्यूजिशियन थे, वो केवल भगवान के लिए गाते थे, उनकी विद्या सदभा। बाकी लोगों की विद्या जो संसार के काम में केवल आ रही है, अपने धन कमाने के काम में आ रही है, अपना यश कमाने के काम में आ रही है, तब विधवा है वो सारी तुम्हारी विद्या, वो सारी कलाएं का कोई मूल्य नहीं है। जो तुम्हें उसके द्वारा सम्मान आदि मिल रहा है बहुत क्षणभंग, 4 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु जी चैतन्य ने कहा विद्या वधु जीवनम, विद्या वधु की शोभा, विद्या रूपी वधु, ज्ञान रूपी वधु की शोभा केवल नाम है, भक्ति है। भक्ति करो, उस अपनी कला को भगवान को अर्पित कर दो। देखिए हमारे आश्रम में कितने बड़े बड़े लोग, बड़े डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं,
तमाम आईएस वगैरह हैं, लोग डांसर्स भी हैं, म्यूजिशियंस भी हैं, उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया हुआ है केवल सेवा में। ये विद्याएं कमाने के लिए उन्होंने बहुत बहुत टाइम दिया, बहुत बहुत खर्चा किया और उसके बाद अपने को अर्पित कर दिया गुरु की सेवा में, तो उनकी कला उनकी विद्या धन्य हो गई, वे धन्य हो गए, उन पे गुरु की कृपा कैसे नहीं होगी। इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनके ऊपर तो होगी कृपा। तो विद्या वधु जीवनम सांद्रानंद विशेष आत्मा, ऐसा करेंगे तो सांद्रानंद हमें बहुत बड़ा, जितनी जितनी हम भक्ति करेंगे अपने जीवन को, जितना जितना हम नाम में संकीर्तन करने में, वो कीर्तन आपका मानसिक हो और या आप जोर से गाएं, जैसी आपकी स्थिति हो। प्रारंभ में तो हमें गा के ही करना पड़ेगा, नहीं तो हमें आलस आ जाएगा, हम सो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, गा कर वाद्य के साथ ही करना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारी ऊंची स्टेज होती जाएगी, अपने आप ही मुंह से शब्द निकलेंगे ही नहीं, इतने हम डूब जाएंगे, ला बोलेंगे धा कहा ही नहीं जाएगा, इतने हम डूब जाएंगे। वो स्थिति हमें लानी है, वहां तक हमें पहुंचना है, वो हमें नाम लेना है। तो सांद्रानंद विशेष आत्मा, जब वो स्थिति आ जाएगी तो कितना बड़ा आनंद होगा, रोम रोम में नाम का रस भर जाएगा, रोम रोम में नाम का रस भरा होगा हमारे, तो वो क्या स्थिति होगी, वो क्या आनंद होगा। तो सांद्रानंद विशेष आत्मा सर्वात्मा स्नपनम, पूरा हमारा ऐसी स्थिति में आके हमारा तन मन सब कुछ, आत्मा प्राण सब नहा जाएंगे उस प्रेम रस में, ये स्थिति हो जाएगी नाम के द्वारा। तो नाम की ये महाप्रभु चैतन्य ने बताया कि नाम लेने के ये फायदे हैं, ये प्राप्ति होती है नाम लेने से, बशर्ते कि हम तद जपस तदर्थ भावनम, हम नाम उनकी भावना से युक्त होकर। और महाराज जी ने इसी को सरल शब्दों में करके बताया कि हम रूप ध्यान पूर्वक उनका नाम, रूप ध्यान पूर्वक, क्योंकि अगर हम रूप ध्यान नहीं कर रहे तो उनको याद नहीं कर रहे। लोग कहते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, हम राधे राधे बोल रहे हैं, हमें पता है कि हम श्री राधा रानी का नाम बोल रहे हैं, तो भावना हमारी राधा की होगी ना, नहीं है नहीं भावना। अगर भावना श्री राधा रानी की है तो उनका तुरंत छवि हमारे आंखों में आएगा। देखिए, अगर आपको एक पुस्तक चाहिए, आप अपने बेटे से कहते हैं उस कमरे में वो पुस्तक रखी उठा लाओ, इसके पहले कि आप मुंह से बोले कि पुस्तक उठा लाओ, पुस्तक का ध्यान आपको आता है ना। आप सोचते हैं एक गिलास पानी पी लें, तो सोचने जब आपने सोचा तभी पानी का ध्यान, गिलास का ध्यान आपके माइंड में आया। आपने कहा वो हमारे बेटे को बुलाओ, बुलाओ किसको, अरे उसको किसको, श्याम नहीं नहीं रमेश, हाँ रमेश को। यानी आप मुंह से बोल नहीं पा रहे, काम में बिजी है, आपको नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपके माइंड में उसकी शक्ल है कि आप उसको याद कर रहे हैं। तो हम किसी भी चीज को या किसी भी व्यक्ति को जब याद करते हैं तो उसकी छवि पहले आती है हमारे मन। ऐसा हो ही नहीं सकता तो उसकी छवि ना आए जिसको हम याद करेंगे, चाहे वो कोई भी हो या कुछ भी हो, उसकी छवि आती है। तो अगर हम भगवान को याद कर रहे हैं तो उसका प्रमाण ये है कि रूप ध्यान हो रहा है, हम कर रहे हैं रूप ध्यान। इसलिए महाराज जी ने रूप ध्यान की जो फिलॉसफी बताई है, इसीलिए बताई कि रूप ध्यान की प्रैक्टिस कैसे करें। तो हमारे माइंड में संसार के रूप भरे पड़े, उसी में अटैचमेंट भी है हमारा, हजारों रूप हमने देखे हैं, कभी कुछ अच्छा लग जाता है, कभी कुछ अच्छा लग जाता है, भगवान अच्छे लगने लग जाए हमें, उनका रूप ध्यान करने का हमारा मन करने लग जाए, ये कैसे होगा। तो महाराज जी ने बताया एक चित्र को चुनो, आपके इष्टदेव श्री कृष्ण है तो आप राम कृष्ण दुर्गा शंकर की तो फोटो नहीं ही रखनी है, आप कृष्ण की भी एक फोटो रखो, हर बार उसी को देखो, अपने वॉलेट में भी वही रखो, अपने कमरे में भी वही रखो, हर कमरे में वो फोटो को रखो।
जब देखो तो उसको देखो, उसी का नाम, उसी का रूप, उसी की लीला, उसी की गुण, उसी के नाम, बार 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 उनका ही चिंतन करते करते वो आपके मन में समा जाएंगे। जिसका भी चिंतन किया जाए, ध्याय तो विषयान चित्तस विषयेश विसर्जते, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है, तुम विषयों का चिंतन करोगे तो विषय अच्छे लगने लग जाएंगे, तुम्हारे हृदय में विषय विषयों का वास हो जाएगा। और अगर तुम मेरा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारे रोग रोग में छा जाऊंगा। तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमारा मन तो ऑलरेडी संसार में अच्छे से लगा हुआ है, अब उसको इधर लाना है खींच के, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नियम बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक दो घंटे बैठ के जो साधना करनी है वो तो करनी है, इसके अलावा उसी साधना को रियलाइज करना है अपने पूरे दिन की दिनचर्या में भी। जब भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं किसी के पास, तब उस समय भी हमें अपनी उसी रूप ध्यान की प्रैक्टिस को यूटिलाइज करना पड़ेगा। यह अवसर फिर ना ही मिलेगो बातन मोर पति जी, श्री महाराज जी ने लिखा है कि ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा, अभी तो सब बानक बना हुआ है आपका, तो तुम लोग अभी मेहनत करो, ये शिवाजी हम लोग से कह रहे हैं। तो नाम, ये जो कीर्तन हम लोग करते हैं, इस जगह जगह हम कीर्तन करते हैं, घरों घरों में भी कीर्तन होता है, मंदिर में भी कीर्तन होता है, क्यों? ताकि हम सब बैठ के मन लग जाता है। जब मन आपका लग गया, आपको थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, तो आप अपने कमरे में बैठकर, अपने घर में बैठकर भी घंटा दो घंटा साधना कर सकते हैं। फिर आप चलते फिरते भी, खाना बनाते समय, झाड़ू लगाते समय, अपने सफाई करते समय, काम पर जाते समय भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो जितने तेजी से हम ये काम अपना कर पाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अगले जन्म की प्रतीक्षा ना करें। पता नहीं क्या जीवन मिलेगा अगला, हमें कहाँ मिलेगा, कैसा एटमोसफियर होगा वहां का, और फिर हमको ये सब याद भी तो नहीं रहेगा। अभी तो सब फिलोसफी वाजी की हमें याद है, हम उसको फॉलो कर सकते हैं। अगले जन्म में हमको कुछ भी याद नहीं होगा, ना महाराज जी याद होंगे और ना महाराज जी की फिलोसफी याद होगी, तो हमारे पास संबल क्या होगा, बल क्या है हमारे पास अगले जन्म में साधना करने का। इसीलिए हमें सावधान होकर अपना संकीर्तन करना है, साधना में भी बैठ के श्री महाराज जी का यही आदेश है कि हम लोग कीर्तन करें, कीर्तन के द्वारा मन को लगाए, क्योंकि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। हमारे कलियुग के लिए केवल नाम संकीर्तन ही हमारे लिए सबसे बड़ा संबल है। बोलिए श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय, लाडली लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।